मेरा राजा बेटा फिर से नहीं जाएगा ना? इस बार चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा? वो जल पर्वत देखा है? बादलों में घुसा पड़ा है। अरे वो 40 गज से कितनी बार गिरा है? हाँ, कम से कम 100 बार। अभी देखना, इस बार भी फिर से गिरेगा। पंद्रह 101 बार और अभिषेक करो तो तुम्हारी मन्नत अवश्य पूरी होगी। स्वामी, मन्नत पूरी हो गई तो मेरा बेटा मेरी बात सुनेगा? उस जल पर्वत पर जाना छोड़ देगा? तो, शिव की शक्ति जानती हो? तुम मन से महाकाल का अभिषेक करो तो वो तुम्हारे पुत्र को उचित दिशा प्रदान करेंगे। ठीक है स्वामी। शिव शिव। माँ, तुम अपने आप को छोटी बच्ची समझती हो क्या? इतनी भागदौड़ करोगी तो क्या हाल होगा तुम्हारा? माँ, मेरी बात सुनो ना। जा, कभी तूने मेरी बात सुनी? बाबूजी, माँ को समझाओ ना। संगा। क्या? अरे वो फूल तुमने कहाँ रखा? बाबूजी, बाबूजी। छोड़ मुझे। अच्छा, तुम्हारी जगह मैं कर दूँ? मान जाओ ना। ना, शिव नहीं मानेंगे। जिसने मन्नत मानी वही पूरी करे। स्वामी, तुम अपना हाथ मरोड़ो ना। माँ, माँ। क्या है रे? माँ, मैं तुम्हें ऐसे उठा लूंगा। अब नहलाओ अपने शिव को। मान जाओ ना। ना, शिव नहीं मानेंगे। जिसने मन्नत मानी है उसी को पूरी करनी होगी और चल के पूरी करनी होगी। स्वामी, आप और आपके शिवजी मेरी माँ की जान लोगे क्या? पता नहीं शिव के मन में क्या चल रहा है, वो हम क्या जाने। शिवा शिवा। ए सांगा, देख तेरा बेटा क्या करने जा रहा है। अब क्या करने जा रहा है? शिवा, रुक जा। क्या कर रहा है? नरक में जाएगा। शिवा, रुक जा, रुक जा। शिवा। शिवा रुक जा। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन निलिंप निर्झरि विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि। ललाट पट पाड के किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षण छाया। उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरे
तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया। भुजंग पिंगल स्फुरणामणि प्रभ कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वजूमुखे मदांग सिंदूर स्फुर तदुत्तरीय मेधुरे मनो विनोद मद्भुतम् विभर्तु भूत भर्तरी बार नहीं अब हर घड़ी नहलाओ अब तो खुश हो ना।